दोस्तों आज मैं आपको रिपेयर करके बताऊंगा यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे काइया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आज मैं सोल्डरिंग आयरन आपको बिल्कुल नया बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है काफ़ी टाइम के यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन पड़ा था, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे, यानी कि पूरा इसके अंदर नया यहाँ पर सामान इसके अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हमें सबसे पहले एक चाहिए बिट, जो कि आपको ईज़िली मार्केट में 20 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। और फिर आपको चाहिए एक एलिमेंट, ये भी 35 वाट का एलिमेंट है। सिंपल आपको दो चीज़ चाहिए और उसके अंदर जो सोल्डरिंग आयरन में कुछ रहता नहीं है, ठीक है। दो चीज़ आपको चाहिए, बिट चाहिए और एक आपको जो है एलिमेंट चाहिए 35 वाट का। आपको एलिमेंट जो 10 से 15 रुपये के बीच में मिल जाएगा और बिट आपको 20 रुपये की मिल जाएगी 35 वाट की। तो आप बोल सकते हैं मार्केट में 35 वाट की हमें बिट दे दीजिए, तो आपको बिट मिल जाएगी और 35 वाट का एलिमेंट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो है माइका लगा ली है, जिससे करंट वगैरह नहीं आता है, ठीक है। बाय चांस यहाँ पर तार वगैरह टच हो जाता तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। माइका आप लगा लीजिए जो कि पुराने एलिमेंट में से निकाल कर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एलिमेंट को फिक्स यहाँ पर कर लिया है। कुछ आपको इस तरीके से एलिमेंट को लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं माइका भी इसके अंदर लगा लेता हूँ ताकि करंट वगैरह नहीं आए, ठीक है। यहाँ पर माइका मैंने लगा लिया है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से आपको जो है लगा लेना है एलिमेंट। अब मैं इसके अंदर बिट लगा देता हूँ, आपको बिट लगा के यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है एलिमेंट के बीच में यहाँ पर बिट यहाँ पर लगा दी है। सिंपल जो है बड़ी आसान तरीके से लग जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको जो है कस लेता हूँ, यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ सोल्डरिंग आयरन को। काफ़ी आसान है दोस्तों इसको लगाना, आप बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और सोल्डरिंग आयरन को आप बिल्कुल नया बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर कस दिया और हमारा लुक देखिए यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा सोल्डरिंग आयरन हमारा नए जैसा यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर बॉडी केबल पुरानी है ओनली, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ठीक हो चुका है। आप देखिए इसके अंदर जो है होल दे रखे हैं, ये होल काय के काम में आते हैं सोल्डरिंग आयरन के पीछे यहाँ पर दे रखे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है सोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट के जो वायर हैं, तो इसको हम खोल लेते हैं ताकि इसके अंदर से मोती हम हटा सकें। तो इसके अंदर से आप मोती हटा लीजिए, तो देख सकते हैं जो कि इसके अंदर जो छेद दे रखे हैं, होल दे रखे हैं सोल्डरिंग आयरन में, उसी के बराबर से आपको यहाँ पर मोती हटाने हैं, देख लीजिए, ठीक है। उसके बराबर से आपको मोती हटानी है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए, देखिए आप ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसके अंदर वायर लगा लिया है ताकि ये हमारा वायर खिंचे नहीं, इसलिए इसके अंदर जो है होल दे रखे हैं। तो इसको हमें टाइट कर लेना है बिल्कुल टाइट, देखिए कुछ इस तरीके से आपको टाइट कर लेना है, दोनों वायर को आपको लगा लेना है कुछ इस तरीके से। तो इसको भी हम खोल लेते हैं, इसके भी हम मोती निकाल लेते हैं बिल्कुल होल के बराबर से, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है मोती निकाल लेने हैं, जो कि कांच के मोती यहाँ पर होते हैं इसके अंदर। देखिए इसको भी कुछ इस तरीके से आपको होल के अंदर कुछ इस तरीके से अंदर की ओर से निकालना है, और फिर आपको इस तरीके से टाइट इसके अंदर कर लेना है। अब देखिए टाइट करने के बाद क्या होगा, हमारा जो वायर अब नहीं खिंचेगा इसके अंदर से, ठीक है, इसलिए इसके अंदर जो है होल दे रखे हैं। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा कंप्लीट यहाँ पर काम हो चुका है एलिमेंट का। अब इसके अंदर सिर्फ हमें मेन लीड जोड़ दी है, यानी कि मेन लीड यानी कि हमें इसके अंदर वायर जोड़ दी है 220 वोल्ट की। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक वायर ले ली और हमारे एंड कैप में कुछ इस तरीके से आपको डाल, देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपको वायर लगानी है। और आप इसके अंदर नॉट भी बांध सकते हैं, घटान भी इसके अंदर आप बांध सकते हैं ताकि हमारा वायर खिंचे नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल टाइट तरीके से यहाँ पर जो है इसको मैट देना है, बिल्कुल टाइट यहाँ पर आपको वायर लगा देना है। देखिए वायर लगा लिया है, अब मैं इसके अंदर कुछ यहाँ पर कागज़ का टुकड़ा लगा देता हूँ ताकि हमारे वायर शॉर्ट नहीं हो कभी बाय चांस। देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपको जो है इसके अंदर कुछ कागज़ का टुकड़ा या गत्ते का टुकड़ा आप कुछ भी इसके अंदर लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा वायर खिंचे नहीं, ठीक है। तो सिंपल हमारा जो सोल्डरिंग आयरन अब कंप्लीट जो यहाँ पर हो चुका है, देख लीजिए, और अच्छी तरीके से आप वायर पर लगा दीजिए। देखिए अब इसको हम सिंपल कस देते हैं, यहाँ पर हमारा सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको करते हैं चेक, ठीक है। मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ यहाँ पर कि हमारा सोल्डरिंग आयरन किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। सिंपल आप जो है इसको 30 रुपये में रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लगा लिया है, और यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन आप देखिए अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारा सोल्डरिंग आयरन रिपेयर यहाँ पर हो चुका है 30 रुपये के अंदर।
दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। और आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए किस टॉपिक पर हमें वीडियो आपको चाहिए, किस एम्पलीफायर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।